अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। कहाँ जाते हैं पढ़ाने के लिए? प्राथमिक विद्यालय बुधनी रावरा पढ़ाने जाते हैं। यहाँ से हमारे यहाँ से 40 किलोमीटर की एक साइड से दोनों साइड से 80 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, जो कि हमारी सरकार ने 10,000 रुपये मान दे रखा है, वो भी टाइम से नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारा खर्चा इतना है कि कम से कम 100 रुपया डेली की तो पेट्रोल का खर्चा है, जो हम वो नहीं कर पा रहे। उधार भी लेते हैं तो उधार की भी एक सीमा होती है। और अभी किराए से रह रहा हूँ ना, तो दो पैसा मिलता है, वो अभी 7-8 महीनों से पैसा भी नहीं मिला है, तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है, सब कुछ पूरा बर्बाद हो गया है। जब से हम लोगों के 40,000 से 10,000 रुपये आए हैं, और हमारा परिवार बिल्कुल बर्बाद की कगार पर है। ना बच्चों की फीस भरी जा रही है, नौकरी चली गई, बच्चे शादी के लिए हैं, बूढ़े माँ बाप बीमार हैं, इलाज के लिए पैसा नहीं है। अब ऐसी स्थिति में तो आदमी केवल मौत को ही गले लगा सकता है। जब उसकी चारों तरफ की सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो वो मौत को ही गले लगाता है। इसलिए मैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री योगी से यह कहना चाहता हूँ कि हमारी समस्याओं को आप समझिए, कितने संकट से जूझ रहे हैं, ये संकट का सामना कर रहे हैं, हमारी इस संकट में सहायता कीजिए। सम्माननीय योगी जी, आप तो संत हैं, संत का हृदय तो बड़ा कोमल होता है, लेकिन संत होते हुए भी आपने जरा भी नहीं सोचा। जब विपक्ष की सरकार थी उस समय एक सांसद हुआ करते थे आप, आपने उस समय तत्काल जो है राज्य सरकार को केंद्र सरकार को लेटर लिखा था, और आज तो आप स्वयं प्रदेश के मुखिया बने बैठे हैं। आपने आज यदि चाहें आप तो आप 2 घंटे के अंदर आप सारे अधिकारियों को बुला के हमारी समस्या का निदान करा सकते हैं, लेकिन अब जाने कौन सी विडंबना है कि आप हम लोगों के बारे में नहीं सोच रहे। शिक्षा मित्रों का वेतन क्यों नहीं आया है? शिक्षा मित्रों का मानदेय 208 शिक्षा मित्रों का मानदेय अभी प्राप्त नहीं हुआ, लगभग 7 महीने से नहीं मिला हमको। विभाग को लिख रखा, जैसे ही बजट प्राप्त होगा उनका भुगतान कर दिया जाएगा।